वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 520 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है डिफाइन करें तीन जो टाइप्स हैं लीगल सिस्टम की, जो तीन टाइप्स हैं लीगल सिस्टम की उनको डिफाइन करना है। सो पहला जो है कॉमन लॉ, लॉ जो कि बेस करते हैं ट्रेडिशन, प्रेसिडेंट और कस्टम के ऊपर, और उसके बाद आता है फिर सिविल लॉ। सो लीगल सिस्टम जो है वो बेस करता है डिटेल सेट ऑफ लॉ के ऊपर जो कि बनाता है एक कोड, और उसके अलावा थ्योक्रेटिक लॉ ये जो है लीगल सिस्टम है जो कि बेस करता है रिलीजियस परसेप्ट्स के ऊपर। उसके बाद ये कि डिफाइन करें न्यू ट्रेड थ्योरी को। न्यू ट्रेड थ्योरी बताती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्पेशलाइजेशन कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर देर आर लाइकली टू बी मुमकिन तौर पर जो है ओनली अ फ्यू प्रॉफिटेबल फर्म, मुमकिन तौर पर जो है वो सिर्फ चंद ही जो है प्रॉफिटेबल फर्म है। फर्म्स जो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ है वो जो डेवलप करेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप कर लेंगी, यानी कि वो एक बड़े पैमाने के ऊपर प्रोड्यूस करेंगी और वो बैरियर क्रिएट कर देंगी ताकि दूसरी फर्म्स आ सकें। सो कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। बोइंग इस्टेब्लिश हुई अर्ली 1910 के अंदर और उसका जो एक बहुत ही जाहिर बात है सुपीरियर एडवांटेज है दूसरे जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर, दैट हैव नॉट हैड द एडवांटेज, जिनके पास एडवांटेज नहीं है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का जैसे कि एयरबस की तरह। उसके बाद ये कि डिफाइन करें हैक्शर ओहलिन थ्योरी। सो हैक्शर ओहलिन थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि कंट्रीज़ जो है वो एक्सपोर्ट करें उन गुड्स को जो कि डेट मेक एक्सटेंसिव यूज़, जो कि बनाता है एक्सटेंसिव यूज़ जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कि लोकली अबंडेंट हैं, जबकि इम्पोर्टिंग गुड्स जो है जो कि बनाते हैं इंटेंसिव यूज़ जो है फैक्टर्स का जो कि लोकली स्केस हैं, और इसी वजह से ये जो फोकस करता है डिफरेंसेस के ऊपर रिलेटिव फैक्टर एंडाउनमेंट में, ना कि जो डिफरेंसेस हैं रिलेटिव प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद ये कि विच पॉलिटिकल सिस्टम इज़ मोस्ट अप्रोप्राइट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा अप्रोप्राइट है, इसके रीज़न भी बताएं। सो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्राइट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अगर आप इसको किसी दूसरे सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, गवर्नमेंट सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा कि डेमोक्रेसी रिलेटिवली ज़्यादा बेटर है, और स्पेशली जितने भी सिस्टम इस दौर के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं आप उससे अगर कंपेयर करेंगे किंगडमशिप से या फिर डिक्टेटरशिप वगैरह से, तो जाहिर बात है ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उसके अब रीज़न क्या है, इसमें फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, एक्सप्रेशन है, प्रेस है और फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज है। इसके अलावा इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर वोटर डिसाइड करते हैं कि कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, और लिमिटेड टर्म्स होती हैं इलेक्टेड ऑफिशल्स यानी कि जिन लोगों को इलेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो ज़िंदगी भर ही रहेंगे। अगर इसके मुकाबले में हम कम्युनिज्म देखें तो जाहिर बात है कम्युनिज्म में आप जानते हैं कि अगर कोई एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो हट जाए, वो तकरीबन रहता ही है जब तक उसकी लाइफ होती है, बहुत मुश्किल ही होता है कि वो हटे। और इसी तरह एक इंडिपेंडेंट और एक फेयर कोर्ट सिस्टम होता है विद हाई रिगार्ड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और राइट के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स को राइट मिलता है और प्रॉपर्टी मिलती है, और एक नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी होती है और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक एक्सेसिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। सो इन तमाम चीज़ों की वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। वो एक अलग बात है कि बहुत से कंट्रीज़ में और हमारे यहाँ भी ऐसा है कि डेमोक्रेसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि डेमोक्रेसी को अगर जहाँ जहाँ जिन कंट्रीज़ में किया जाता है तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत आगे है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इसकी मिसाल है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ हेजिंग, हेजिंग क्या है, हाउ कैन अ मैनेजर रिड्यूस पॉलिटिकल रिस्क बाय यूजिंग दिस टेक्निक। हेजिंग क्या है और कैसे एक मैनेजर रिड्यूस कर सकता है पॉलिटिकल रिस्क इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। सो हेजिंग जो है वो क्या है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करते हुए रिड्यूस किया जाता है या फिर ऑफसेट कर दिया जाता है पोटेंशियल लॉसेस जो है एडवर्स प्राइस मूवमेंट से एसेट्स के अंदर। उसके बाद ये कि हाउ कैन अ मैनेजर रिड्यूस पॉलिटिकल रिस्क बाय यूजिंग दिस टेक्निक, और कैसे मैनेजर जो है वो रिड्यूस कर सकता है पॉलिटिकल रिस्क इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। सो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस होता है, सो मैनेजर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटेक्शन होती है, सो नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं
क्लोजेस के साथ जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, और इसके अलावा करेंसी हेजिंग भी होती है। सो टेक्निक्स जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर करेंसी ऑप्शन वगैरह। और डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो डाइवर्सिफाइंग ऑपरेशन होना अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज या रीजन, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप होना। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास, तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।